ओके सो क्या स्टार्ट करना है। आज डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट दैट इज ना द मेडिकेयर टीचर टेल्स गुड टीचर एक्सप्लेन अबाउट यार बड़े अच्छे अच्छे लिखते हो प्राची आप। चलिए ठीक है अदर्स म्यूट योरसेल्फ यस ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ फर्स्ट ठीक है ना। जो भी 30 स्टूडेंट्स है पहले अपने आप को म्यूट कर लीजिए देन वी स्टार्ट। ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हमने कल आई थिंक प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज प्रॉफिट व्हाट इज लॉस हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है ना। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग इज इंट्रोडक्शन विल बी देयर। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट इज द सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो हमें प्रॉफिट क्या होता है दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट पर सेल इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 इज दैट क्लियर। कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा इन सम बुक्स आई एम टॉकिंग अबाउट द लेट कॉम्पिटिटिव बुक्स होती है। आप ऐसे फॉलो करते हैं आप लोग हमारे सर ने तो ऐसा कुछ फॉलो करा है नहीं था ठीक है। जान टॉकिंग अबाउट दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे फॉलो वहां पे कभी कभी होते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट सेलिंग प्राइस व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज गिवन टू यू। ओके सो क्लियर सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट पर सेल अपॉन 100 इनटू ओके सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू दिस। अभी मैं आपको एक और चीज में समझाऊंगा कि फॉर्मूला आया क्यों ऐसा क्यों ठीक है ना। सी हियर व्हेन यू टॉक अबाउट दैट इज सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस That is equals to how much? 100 into selling price upon 100 plus profit cost. Is that clear? So this is your formula, some important one for profit. Now from loss. Now loss is equals to loss percent is equals to also we can write so we can also write now selling price when loss percent is given to you. Good morning sir. Very good morning. Keep your mic off.
guilt. So these are the some important formula that we are going to use in this chapter, जो हम यहाँ पे use करने वाले हैं. अब एक important fact यहाँ पे आपको understand करना है, that is कि this formula. मैंने आपको एक तो अभी percentage chapter में हमने आपको एक formula बताया था. तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ऐसे नोट तो होगा कोई भी. Okay, so what the important thing that I want to discuss is that I just want to clear up a little bit. See this slide, this doesn't view clear. इसको यहाँ चेयर में इधर ऐसे आराम से नो फाइंड कर बैठे. ओके, सो हमने एक बात की थी ओल्ड वैल्यू. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू वैल्यू. और हमने कहा था कि ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू में जाने के दो वे होते हैं, एक बाय इंक्रीजिंग एंड द वन बाय डिक्रीज. या तो हम इंक्रीज करके जा सकते हैं या तो हम डिक्रीज करके जा सकते हैं, लेकिन हम ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू में पहुंच सकते हैं. या कि ये होता है सेम थिंग हैपेंस इन आल्सो व्हेन यू आर हैविंग अ कॉस्ट प्राइस. योर कॉस्ट प्राइस विल बी योर ओल्ड वैल्यू एंड योर सेलिंग प्राइस विल बी अ न्यू वैल्यू. Because you will get either selling price that depends on either on profit or it depends on loss. Is that clear? Is that clear? This you understand करते हैं. हमने आपको क्या बताया था कि we will find out the new value by using the old value. कैसे हमने कहा था कि हमने कहा था कि new value that is equals to 100 plus वो भी increase percent था upon 100 into old value. अब ये भी देखिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू सेलिंग प्राइस. तो बोथ आर सेम, तो दोनों फॉर्मूला एकदम सेम है. यस बिल्कुल श्रेया सौम्या जो भी है ना आर्यन सबको एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ कि दैट इज एक्चुअली में है क्या चीज. हमने एक बार फॉर्मूला डिस्कस किया था परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा था. परसेंटेज अपना पड़ा कि हमेशा होता क्या है, ओल्ड वैल्यू भी न्यू वैल्यू होती है. एक पुरानी वैल्यू उसको हम या इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू वैल्यू. तो हमें एक न्यू वैल्यू मिलती है, ठीक है. सो अगर हमें ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू इंक्रीज करके मिल गई डिक्रीज करके मिल गई, तो सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो. एक कॉस्ट प्राइस होता है, आप किसी भी बुक को परचेस करते हो तो आप परचेसिंग में फिक्स अमाउंट देते हो. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन It depends on us कि हम उसे जो है प्रॉफिट लेकर बेचना चाहते हैं या उसे हम जो है लॉस में जाकर बेचना चाहते हैं, यानी बेचना है ना हमें. तो जो बेचने वाली वैल्यू दैट इज आपका सेलिंग प्राइस है वो क्या है, दैट द न्यू वैल्यू फॉर दिस गुड. यानी इस आइटम को हमने 100 रुपए में खरीदा था, अब मैं इसको 110 में देना चाहता हूँ कि 90 रुपीज में देना चाहता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है ना. सो दैट 90 रुपीज या 110 दैट इज द न्यू वैल्यू फॉर दिस मार्कर, है कि नहीं. तो ये चीज यहाँ पर होता है, हर एक आइटम का एक ओल्ड वैल्यू होता है, न्यू वैल्यू होता है. कॉस्ट प्राइस विल बी ऑलवेज अ ओल्ड वैल्यू, सेलिंग प्राइस विल बी अ न्यू वैल्यू. अब उसको कैसे मिल सकता है, या तो हमें प्रॉफिट से मिलेगा, यानी वैल्यू इंक्रीज होकर मिलेगी या वैल्यू डिक्रीज. सो प्रॉफिट परसेंट और दैट इज अ लॉस परसेंट, यानी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों एक ही चीज है. यानी जो बच्चा इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझ सकता है वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को बहुत अच्छे से समझ सकता है, ठीक है. तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है, आप उसको बिल्कुल इजीली जो है कंपेयर कर सकते हो और आप देखोगे दोनों के दोनों फॉर्मूलाज है वो एकदम एक ही है, ठीक है.
और ये न्यू वैल्यू से ओल्ड वैल्यू कैसे निकलता है, आप अक्सर से होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला भी बहुत इजी होता है। अब देखिए हम इसको ऐसे भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको ये बताएं, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, तो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ आप ये देखिए। सेलिंग प्राइस एक्चुअल में होता क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। यानी यहां प्रॉफिट परसेंट ले सकते हैं, दैट इज प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। तो प्रॉफिट किसके बराबर, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है दैट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। प्रॉफिट क्या होता है, यानी देयर इज सम परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का कुछ परसेंट हमें निकालना है और उसको सीपी में ऐड करना है। So we can write the CP is plus profit upon इसका परसेंटेज से निकालेंगे क्या हो जाएगा, P जो भी आपका वैल्यू देगा A2 निकल जाएगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस। A कॉस्ट प्राइस फॉर व्हाट इज लेफ्ट हियर, 1 plus P upon 100, ये है ठीक है। इस CP का सर है इसको एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 100 plus P upon 100। आइए फॉर्मूला बन गया, तो कोई नया फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं बनाया था, हमने सिर्फ क्या किया उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आप कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट अपना जोड़ देंगे, हम कितना प्रॉफिट देना चाहते हैं सर, सो दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्मूला बने हुए हैं यही से बने हुए, तो ये कोई नया फॉर्मूला डिराइव नहीं किया सर ने, सिर्फ आपको क्या कह रहे हैं उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी वैल्यूज पुट अप की, रादर देन कि आप उस वैल्यू को आप इस तरह सारा कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन सबने पहले ही कर दिया इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, और आप सीधा जाके वैल्यू पुट अप करिए और वहां पर यू विल गेट द आंसर वेरी सून, ठीक है ना। प्लीज तिवारी को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है ना, प्लीज बेटा। सेलिंग प्राइस क्या होता है, आपने 100 रुपए खरीदा, मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ, दैट इज एनी 100 प्लस प्रॉफिट। यानी मैंने अपना प्रॉफिट डिसाइड कर लिया कि मैं इस 10 पे ₹10 लेना चाहता हूँ, तो दैट इज माय प्रॉफिट। तो मेरा अब सेलिंग प्राइस से कितना होगा, मैं इसको कितने बेचना चाहूंगा, ₹100 तो मैंने खर्च किया था प्लस 10 रुपए और चीज, यानी ₹110, तो माय सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बहुत ही क्लियर है। अभी प्रॉफिट निकलता कैसे, प्रॉफिट हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट करते हैं ना, सो हमारा सपोज करिए हमने प्रॉफिट कितना लिया, 3%, यानी 3% ऑफ व्हाट, दैट इज कॉस्ट प्राइस। हमने डिसाइड कर लिया कि सर मैं इस टाइम में से जो है ना 1% लूंगा, कि मैं इसमें से जो है 10% लूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसमें से 10% लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। 10% तो हमने क्या किया, जो भी इस तरह से हम लोग जो है डिसाइड करते हैं, अगर हम डायरेक्टली किसी को बोलते ना कि दैट यू हैव टू गिव 100 रुपीज, तो अच्छा नहीं लगता, तो लोग क्या बोलते हैं 5%, 2%, 3%, 1%, 10%, तो लोगों को सुनने में होना चाहता है 10 की तो बात कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, ठीक है। तो वो चीज होंगे, तो क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन परसेंटेज, तो यानी कॉस्ट प्राइस प्लस पी परसेंट, यानी जो भी प्रॉफिट परसेंट होगा ऑफ इसका कॉस्ट प्राइस का, पी परसेंट को हम क्या कह सकते हैं, पी आप परसेंटेज का सिंबल रखा हो कितना आएगा 100 इनटू ऑफ की जगह पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, देन कॉस्ट प्राइस। अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी कॉस्ट प्राइस है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस है, दोनों से कॉस्ट प्राइस कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वन लिखना, 1 plus P upon 100 एलसीएम लिया तो 1 एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा, 100 ही मल्टीप्लाई भी होगा 100 plus P upon 100 बनने पर, इज दैट क्लियर। सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला, कि सारे फॉर्मूला जो डिराइव किए गए बेसिक कॉन्सेप्ट पे, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से ये लॉस के केस में क्या होता है, लॉस के केस में से क्या निकल जाएगा, चेंज सीपी माइनस मोसॉस, तो सीपी में से पैसे कम कर देना हम भैया, 10 रुपए कम कमाएंगे लेकिन आराम से, हमने क्या करेंगे सीपी माइनस का वैल्यू से प्राइस। अब देखिए ना माइनस कर दीजिए या लॉस परसेंट कर दीजिए, सीधे ये फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस आएगा या लॉस परसेंट आएगा बस, और थोड़ी ना कोई नया चीज होगा। अब आप बोल रहे हैं कि सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, आपने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ठीक है सर ये सीपी कैसे मिला, बहुत ही सिंपल, हमने इसको उठा कर यहां पे भेजा, अब इसको भेजेंगे तो 100 कहां मिल जाएगा, सीपी इन 100 और ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा 100 प्लस पी इज इक्वल टू सीपी, ठीक है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला, ये था रीजन कैसे था
कॉन्सेप्ट हमने वही बनाया जिसका परसेंटेज का, परसेंटेज ही एप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है ना, तो परसेंटेज ही एप्लीकेबल हो रहा है ये, इसीलिए मैंने बोला था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कमर्शियल मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कमर्शियल मैथमेटिक्स बोलने का मतलब होता है परसेंटेज से लेकर टैक्स, इवन इंटरेस्ट, ठीक है ना, आप जितना भी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, आप जो है सेल टैक्स पढ़ेंगे, ठीक है, आप डिस्काउंट पढ़ेंगे, आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, और आप परसेंटेज को पढ़ेंगे, एवरीवेयर वी आर हैविंग द सेम फॉर्मूला, सिर्फ इतना ही यूज होगा, इसके अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट निकल कर नहीं आएगा। ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू में कन्वर्जन इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यही कॉन्सेप्ट बस काम करता है। आपको बस ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी वैल्यू बेसिक वैल्यू है, कौन सी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होकर मिलती है। इफ दिस इज एप्लीकेबल सुधीर, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग माय डियर? ये क्या आर्किटेक्चर आप बना रहे हो? हाँ अविनाश कुमार मिश्रा, अभी मैं दोनों लोगों को आउट कर दूंगा क्लास से बाहर। ये सब चीजें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें कुछ नहीं, हमने चार फॉर्मूले लिखा कर अभी एक चैप्टर खत्म कर चुके थे, यदि देश समझा रहे हैं बिल्कुल नहीं है। सर आप YouTube पे क्लास चलाइए, अभी ये लोग नहीं भेजेंगे। आज भी अच्छे से टीचर कमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ाने में ना हालत खराब हो जाती है, जितना इजी दिखता है ना उतना इजी होता नहीं है, क्वेश्चन लगेगा ना तो क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। ओके हम चलिए स्टार्ट करो, इसमें एक छोटा सा एक टॉपिक और रह गया, ओवरहेड एक्सपेंस। नो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड एक्सपेंस? ओवरहेड एक्सपेंस क्या चीज है? ओके नाउ सो लेट्स ओवर एंड एक्सपेंस और फॉर द फ्यूचर क्लास जब भी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओवर एंड एक्सपेंसेस क्या चीज है? वो नहीं काम कर रहा है, वो बंद है सिस्टम, पावर नहीं है वहां पे, वहां से इसको वो कर दो ना, इसको फुल स्क्रीन कर दो ना, कलर से हो जाता है तो सारी चीजें स्विच हो जाती है। छोटा सा एग्जांपल लेंगे फिर आपको ओवरहेड एक्सपेंस अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। जैसे सुमित सर ने कल एक मोबाइल परचेस किया, सुमित सर को बहुत ज्यादा मिल गए, तो सुमित सर ने मोबाइल परचेस किया कितने का? महंगा महंगा मिला सकते 18,000, क्लियर? ठीक है, मोबाइल परचेस किया 18,000 का, उन्होंने क्या किया
इंश्योरेंस पे दे दिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, 300 का कवर लगा दिया। फिर क्या किया, टेम्पर ग्लास ऊपर एक दे दिया। टोटल मोबाइल कितने का हो गया, 20,000। मैंने आज तो भी सर, सर आपने मोबाइल कितने का खरीदा, व्हाट डिटेल्स सर, मुझे क्या बताएंगे। हाँ बिल्कुल निवेश, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, आप लोगों का नाम ही निवेश, तो मतलब जो निवेश किया वही है, ठीक है। सो इफ आई एम गोइंग टू आस्क सोबी सर, सर आपका मोबाइल कितने का था, तो सोबी सर नेवर टेल्स दैट इट इज ऑफ 80,000, इट इज दैट इट इज ऑफ 20,000। सर 20,000 का पड़ा मोबाइल, बहुत महंगा। बाद में सर मैं तो देखा था मोबाइल तो 18,000 में मिल रहा था आपको, 20,000 मिला। अरे सर तो ये बाकी का खर्चा तो लगा है सर। These are said to be overhead expenses. ये आपके क्या overhead expenses? Actual cost price will be your list for 18,000, but now you are paid some extra amount, maybe of किसके लिए? हो सकता है that is आप कुछ extra उसमें add कराना चाह रहे हैं, हो सकता है आपका जो है वो covering का, packing का, traveling का, कोई भी extra expense उसमें add हो सकता है। जो भी extra expenses add होते हैं, they are said to be a overhead expenses, और वो सारे के सारे इसमें काउंट हो जाते हैं, they are all counting as cost price। so actual में cost price क्या, आप देखिए जब आपका cost price होगा तो क्या जाएगा, that is जो भी उसका purchasing price होगा, purchasing price plus overhead expenses अगर है तो, नहीं है तो purchasing price ही आपका जो है वो क्या होता है, cost price होता है। ये छोटी सी चीज बस याद रखिए, ठीक है ना। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपने लिखा है कि आपने फ्रिज परचेस किया तो उसको जो है 1,000 रुपीज उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लग गया, ठीक है ना। तो आप अपने घर में फ्रिज का प्राइस कितना बताएंगे, आप 10,000 नहीं बताएंगे, 11,000 बताएंगे, 1,000 ऐड करके बताएंगे, क्योंकि आपने तो 11,000 एक्सपेंस किया ना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो व्हाट यू हैव एक्सपेंस फॉर दैट, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। मैंने हमसे कहा ना, जो हमारी पॉकेट से निकल जाए वो कॉस्ट प्राइस है, जो हमारे पॉकेट में आ जाए वो हमारा सेलिंग प्राइस है। तुम्हारे पॉकेट से कितना निकला हुआ है, सर के पॉकेट से 18,000 प्लस 2,000 एक्स्ट्रा यानी 20,000 निकल गया है, तो सर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20,000 होगा, ना कि 18,000। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये छोटी सी चीज अंडरस्टैंड करनी है, और ये होता है आपका ओवरहेड एक्सपेंस, दैट इज द एक्स्ट्रा सर्टेन अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू पे इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ दैट इज अ पैकिंग, इन टर्म्स ऑफ दैट इज कवरिंग आपका जो है सम इंश्योरेंस, सम एनीथिंग विल बी देयर। So ये extra expense जाते हैं, that are added in your, that is cost price। So आपका actual cost price क्या होगा, purchasing amount plus overhead expense, is that clear? Yes class, it is clear to all of you? Okay now. So, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। और हर एक एग्जांपल का और जो है ऑप्शन आपके एक्सरसाइज में प्रेजेंट है। सर समवन टेल मोर प्राइस आल्सो, नहीं देखिए वो जो अब मैं 20,000 का सर ने मोबाइल खरीदा और बताया 30,000 का, तो वो कॉस्ट प्राइस नहीं कहलाएगा, वो ओवरहेड एक्सपेंस भी नहीं कहलाएगा, वो सर का दिखावा कहलाएगा। सर जो बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं उसको हम लोग नहीं बोलते, ठीक है। सो यू आर हैविंग दैट 18 कितना 18 एग्जांपल्स आर देयर एंड 34 क्वेश्चंस आर देयर, क्लियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में जैसे सर प्लीज टेल एग्जांपल नंबर 7, राइट ऑन कमिंग, डोंट ओपन योर माइक ना, क्योंकि इसके कारण क्या होता है ना, वीडियो स्टॉप हो जाता है रिकॉर्डिंग का। एग्जांपल नंबर 7, तो हम क्या बोल रहे हैं आदर्श महोदय,
हम भी तो वही कहना चाह रहे हैं कि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे, तो उस समय हम लोग रिपीटेशन ले लेंगे। चलिए हमको क्या हम भी बताते हैं आपको एग्जांपल नंबर 5 ही चलिए देखिए। सो व्हाट इज गिवन इन एग्जांपल नंबर 5, अ वेंडर बॉट ऑरेंजेस एट 24 रुपीज 125। अब देखिए एक चीज और आप आपको बता देना चाहते हैं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका और आपके बुक में दिए गए मेथड अलग अलग होंगे, अलग अलग ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बुक हमेशा शॉर्टकट में चलेगी, सर हमेशा जो है अपने स्टाइल से, ठीक है ना। तो ये मैं बोलिएगा सर बुक ने ऐसा किया था यार, हम ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई बिल्कुल फुल फ्रीडम है, ठीक है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, इसमें कोई वो नहीं, आंसर सही आना चाहिए, ठीक। चलो सी बड़ी जरूर क्वेश्चन कि अ वेंडर ने जो है ऑरेंज परचेस किए हैं, सो परचेस कर रहा है तो मतलब दिस विल बी योर कॉस्ट प्राइस, सो यू हैव टू राइट, देखिए यहां पे मेन होना स्टेटमेंट, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू ₹125, इज दैट क्लियर। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज 90, is that clear? ये आंसर में 12, 13, 14 लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है सबका आंसर तो ये सामने लिखा हुआ है ना। अब यहां पे सिर्फ ठीक है, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करिए, सो वन ऑरेंज 90 अपॉन 12। अब देखिए यहां पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, हमेशा जब हम कंपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को तो हमेशा एक चीज याद रखनी होती है कि जो नंबर्स है ना वो इक्वल होने चाहिए, यानी यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 होना चाहिए, यहां पे 20 है तो यहां भी 20 ही होना चाहिए, बट आप देख रहे हैं 20 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जहां पे गलतियां होती हैं, ठीक है, ये छोटा सा लॉजिक होता है कि जब भी हम कंपेयर करेंगे, हम जब भी प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ आइटम्स विल बी ऑलवेज इक्वल, यहाँ पे 20 और इंग्लिश से यहाँ पे 12 है, इसलिए हम इस पे 20 और 12 पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, शिवचंद प्लीज, हाँ ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो, ये हमेशा ध्यान देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल करना है, हमारे पास एक ऑप्शन तो ध्यान इसको 1-1 में कन्वर्ट कर दिया, बट हमने जब इसको 1-1 में कन्वर्ट कर लिया देन ये हमें क्या करता है कि फ्रैक्शन वाला इट इज वेरी मच टिपिकल ना, कि हम कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है तो हम ये नहीं कंपेयर कर पाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो इसके एक ऑप्शन होता है, ठीक है ना, लेकिन हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी आर हैविंग कॉस्ट प्राइस, वी आर हैविंग सेलिंग प्राइस ऑन द सेम नंबर ऑफ आइटम, सो वी हैव टू कंपेयर, अब कंपेयर कर लीजिए, अगर ये वैल्यू बड़ी है कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो लॉस हो जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, इज दैट वेरी सिंपल, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हमने क्या किया 20 और 12 का एलसीएम ले लिया, एक एलसीएम और 20 एंड 12 क्यों लेंगे पता है, जस्ट इसको दोनों को जो है ना लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, यहां देखिए 20 और 12 है ना, उसको बस कन्वर्ट करते हैं, सिंपल करते हैं, तो एलसीएम विल बी मोर, अब इसका एलसीएम कितना जाएगा, दैट इज 60, तो हमें क्या करना है, सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर 60, यानी सीपी ऑफ 60 ऑरेंजेस तो कितना हो जाएगा, अब एक ऑरेंज का प्राइस इतना है तो 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे 23 या 60, सो 125 के लिए कितना जाएगा, दैट इज 375, इज दैट क्लियर। नाउ एसपी फॉर 60
that is equal to the ST kitna 90 upon 12 so 90 upon 12 into 60 so that is 90 into 5 ठीक है ये ही कट कर लो so 95 is 45 अब देखिए देखते ही पता चल गया कि हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है देखते ही पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज़ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर सो सर हमें तो इसको जो है ना हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हो रहा है सर हमें पता चल गया प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू है ना सी क्यू और एस पी बड़ा हो गया प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है एस पी माइनस सी पी दोनों को माइनस किया माइनस से कितना आएगा SP minus CP that is equals to 450 minus 600 that is equals to how much 75 ठीक है अब profit percent भी निकालना होगा so profit percent is equal to how much profit upon CP how much CP 375 याद रखिएगा जिसपे आपने profit loss calculate किया है उस value की CP भी put up करनी है सर मैं ये वाला रख दूं एक और गलत हो जाए आपने ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो 60 ऑरेंजेस को प्रॉफिट हुआ है आपको 60 ऑरेंजेस को सेल करने पे आपको इतना प्रॉफिट हुआ है तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो भी क्या होगा 60 ऑरेंज वाला नहीं होगा वन वाला नहीं होगा ये हमेशा याद रखना है ठीक है ना यानी जो नंबर ऑफ आइटम्स आपने ले लिया है तो हमने यहाँ पे क्या किया दोनों से इक्वल किया 60 के लिए और हमने हर चीज 60 पे कैलकुलेट की है तो आपके यहाँ पर 60 का ही कॉस्ट प्राइस भी रखा जाएगा ये छोटी सी चीजें यहाँ रखनी है बस आप कैलकुलेट कर दीजिए सर कोई 60 का तो एसपी नहीं है इसीलिए तो एसपी नहीं रखा जाता कभी भी यहाँ पे हमेशा सीपी रखा है बेस वैल्यू हमेशा क्या है ओल्ड वैल्यू ही हमेशा उसी पे कम ज्यादा होता है तो ओल्ड वैल्यू हमेशा बेस वैल्यू की है और डिनोमिनेटर पे हमेशा बेस वैल्यू होती है परसेंटेज का ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब कुछ समझ में आ रहा है वीडियो ब्लर हो गया इज दैट क्लियर सो चलिए अब आज यहीं पे स्टॉप करेंगे पीछे रहें जल्दी जाइए ऑप्शन रहें को भेजा भेजे जाएंगे